हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो दोस्तों, फाइनली बहुत टाइम के इंतज़ार के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसका ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों, जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वो भी अब वेबसाइट पर अवेलेबल हो गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो जब आप DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे सबसे पहले दोस्तों, तो वहाँ पर आपको एडमिशन 2019 का लिंक मिलेगा। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, ये फॉर्म अभी भी स्टार्ट हुए हैं तो हो सकता है वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक हो, तो या तो हो सकता है आपकी वेबसाइट नहीं खुले या फिर खुल जाएगी तो थोड़ा डिले होगा, थोड़ा देर में चलेगा, तो उसके लिए आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है UG ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ ओपन। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है? तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो नेम और जो अदर डिटेल्स जो आप एंटर करेंगे वो क्लास 12th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह। और इसके अलावा एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू देयर एडमिशन पोर्टल थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आप ऑनलाइन करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, ऑनलाइन लॉग इन करेंगे कट ऑफ आने के बाद, तो वो अपनी जो ईमेल आईडी होगी उसी से लॉग इन करेंगे। तो जो भी आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करें वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा ईमेल एड्रेस प्रोवाइड बाय एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल, जैसे कि मैंने आपको बताया ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए। एप्लीकेंट आर इनकरेज टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम टू फिल द फॉर्म, ठीक है? तो गूगल क्रोम को अपने फ़ोन में अपडेट कर लीजिएगा यदि आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपने क्लास 12 CBSE से पास आउट करा है या नहीं, ठीक है? जो भी ऑप्शन चूज़ करना है आपको कर लेंगे। फिलहाल हम येस चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखना है एप्लीकेंट क्लास 12 पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने क्लास 12 पास आउट करी है, ठीक है? वो आप चूज़ करेंगे यहाँ पे। एप्लीकेंट CBSE क्लास 12 एग्ज़ाम रोल नंबर एज़ पर क्लास 12 मार्कशीट, रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पे अपना, CBSE स्कूल का कोड लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे आप। फुल नेम लिखने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आपको लिखना है, ठीक है? दोस्तों, ईमेल जब आप लिखेंगे तो अपने कीबोर्ड से पूरा टाइप करके आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर दो बार लिखना है आपको और एक कैप्शन कोड लिख के रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरीफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है? 15 मिनट तक वो कोड वैलिड होगा दोस्तों। 15 मिनट के अंदर वो कोड आपको लिखना है, SMS या मेल के थ्रू आपको कोड भेजा गया है, ठीक है? आप अपने ईमेल आईडी में जाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों, OTP वेरीफाई के बाद आपके सामने एक मैसेज शो होगा, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। दोस्तों, जो OTP होगा वो हो सकता है आपका एक बार में नहीं आया या फिर आया तो कुछ लेट आए, तो आप वेट कर लेंगे, ठीक है? या फिर नहीं आता तो रीसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा OTP रिसीव कर लेंगे। हो सकता है दोस्तों आपको इसमें टाइम लग जाए, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इसमें, क्योंकि ये अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इसलिए। तो अब दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था और एक कैप्शन कोड, इसको एंटर करके लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर शो होगा और यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, अपना फोटोग्राफ, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर अपना ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, ठीक है? यहाँ पर लिस्ट गिवन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपको 10th की 12th की मार्कशीट, ठीक है? मार्कशीट हैज़ बिन इशूड तो आप अपलोड करेंगे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आप अपलोड करेंगे, यदि नहीं है तो अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होती है वो आप अपलोड करेंगे, ठीक है? इसके अलावा स्पोर्ट्स और ECA में यदि बिलोंग करते हैं, यदि उस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। दोस्तों, यहाँ पर साइज़ भी गिवन है, इस पर्टिकुलर साइज़ में ही आपको इसको अपलोड करना है, ठीक है? और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एडमिशन काउंसिलिंग में भी प्रोवाइड करने होंगे। तो यहाँ पर नेटवर्किंग में क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपके सामने खुलेंगे। स्टेप वन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, ठीक है? फर्स्ट नेम आपको देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके अलावा आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा अपना,
एप्लीकेशन आर एडवाइज टू एंटर जेंडर करेक्टली एंड केयरफुली एज द चूज अवेलेबल एज द चॉइसिस अवेलेबल इन टाइप ऑफ कोर्सेज कॉलेजेस वेरीज इफ़ अ फीमेल एप्लीकेंट सेलेक्ट मेल जेंडर शी विल नॉट बी एबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ वुमेन कॉलेज। तो ये तो दोस्तों लॉजिकल बात है, तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी और सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेज एज, ठीक है, यदि इसमें बिलोंग करते हैं आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, सिख माइनॉरिटी में, क्योंकि कुछ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा सीट्स देते हैं, तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी आ गई आपकी, अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, आधार कार्ड नंबर और स्टेट ऑफ डोमिसाइल। दोस्तों जहाँ पर रेड मार्क नहीं लिखा हुआ उसको एंटर करना कंपलसरी नहीं है, जैसे आधार कार्ड के अगर रेड मार्क नहीं बना हुआ तो उसको आपको कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर आउटसाइड दिल्ली से, ठीक है। फैमिली डिटेल, मदर नेम लिखना है आपको, मदर का ऑक्यूपेशन लिखना है और मदर का ऑफिस एड्रेस यदि है तो, मदर का मोबाइल नंबर, इसके अलावा फादर नेम, फादर का ऑक्यूपेशन, फादर का ऑफिस एड्रेस, ठीक है। वर्ल्ड क्वार्टर डिटेल, क्या अब दोस्तों आपके फादर या मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वार्ड क्वार्टर है या नहीं, यानी एम्प्लॉय हैं या नहीं, वो यदि हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अदर कैटेगरी भी देखिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं, यदि करते हैं तो यहाँ पर जो कैटेगरीज़ की डिटेल्स गिवन है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 21 तरीके की कैटेगरीज लिखी हुई हैं, इसको आपको अपने हिसाब से चुन लेना है, ठीक है। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उस पर स्पेसिफाई हुआ हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि किस पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यदि आप आर्म फोर्स पर्सनल के चिल्ड्रन हैं या नहीं वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जो आर्म फोर्स की प्रायोरिटी है वो लिखी हुई है, तो इसको भी आपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, पैरामिलिट्री प्रायोरिटी, पुलिस फोर्स प्रायोरिटी, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे अपने पेरेंट्स से पूछकर यदि आप बिलोंग करते हैं। आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या नहीं वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट, जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट के लिए होगा यह, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है सिक्किम एस स्टूडेंट नॉमिनेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, तो ये सिक्किम स्टूडेंट के लिए है, वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। फिर यहाँ पर आएगा आपका एड्रेस, ठीक है, कंट्री, स्टेट, पिन कोड वगैरह सब कुछ आपको केयरफुली यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर वाला एड्रेस नीचे कॉपी हो जाएगा। बैंक डिटेल फॉर रिफंड, इफ़ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, यदि आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो फीस रिफंड का होता है सारा चक्कर, तो इस वजह से यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल एंटर करना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द बैंक आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, इन सभी चीज़ों को एंटर करने के बाद दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद जो भी डिटेल आपने एंटर करी होगी वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल भी आपकी शो करेगा जो आपने एंटर करी है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, प्रीवियस का, एडिट का, नेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि ये फर्स्ट स्टेप है तो प्रीवियस तो आप कर नहीं सकते, आप एडिट करके अपनी डिटेल चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों फीस पेमेंट से पहले जितनी भी डिटेल आप एंटर करेंगे तो उसको फीस पेमेंट से पहले आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेप टू आ गया, एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, एनी पेपर विद बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट विल बी कंसिडर ओनली इन द रेशो 70 थ्योरी 30 प्रैक्टिकल, द एप्लीकेंट शुड सेपरेटली फिल इन टू द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर मार्क्स अपटेन। तो यहाँ पर दोस्तों मार्क्स की डिटेल आपको लिखनी है, प्रैक्टिकल और थ्योरी में आपको सेपरेटली पास आउट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट फोर का क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि मैक्सिमम दो लैंग्वेज सब्जेक्ट आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर मार्क्स आपके नहीं है तो उसमें ज़रूर लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बोर्ड लिखना है सबसे पहले आपको, ठीक है, किस बोर्ड से आपने पास आउट करी है। तो यहाँ पर आपको क्योंकि हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पास आउट करा है तो हम यहाँ पर CBSE लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे क्लास 12 की प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड रोल नंबर और नेम ऑफ द बोर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे आपने सपोज अकाउंटेंसी पढ़ा था, अब दोस्तों उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी थे और मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल थे उनको अलग अलग लिखना है,
और जो थ्योरी में आपने मार्क्स अपटेन किए थे और प्रैक्टिकल में अपटेन किए थे उसको भी अलग अलग यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे दोस्तों आपने सपोज़ आपके अकाउंटेंसी का जो थ्योरी पेपर था वो 80 नंबर का था, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी में 80 लिखने हैं और मार्क्स अपटेन में जितने भी आपके मार्क्स आए, ठीक उसी तरीके से दोस्तों प्रैक्टिकल में आपको अलग लिखने हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपटेन आपको अलग लिखने हैं। यदि दोस्तों किसी सब्जेक्ट में ओनली थ्योरी था तो आप मैक्सिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट में थ्योरी वाले में 100 लिख देंगे, ठीक है, और मार्क्स अपटेन में लिख देंगे और उसका जो कॉलम होगा प्रैक्टिकल वाले का वो ब्लैंक छोड़ देंगे, तो जब आप उसको नीचे आएंगे तो वो कॉलम ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ बोर्ड, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉलम अपना आप ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कुछ लैंग्वेजेस के बारे में, उर्दू, तमिल, संस्कृत, पंजाबी, यदि आपने पढ़ी है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर स्कूल का नाम और स्कूल प्राइवेट है या नहीं, किस मीडियम से है और हिंदी लैंग्वेज कहाँ तक पढ़ी है वो पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए यदि आप बंगाली पढ़ी है आपने या नो, ठीक है, कुछ कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो उस पर यदि आप येस करेंगे, येस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ तक पढ़ी है आपने वो लैंग्वेज, और उस दोनों क्लासेस में यदि 10th तक पढ़ी है या फिर 12th तक पढ़ी है दोनों क्लासेस में उसकी परसेंटेज पूछी जाएगी, उसको आप एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें शो करेंगी हमको कि यहाँ पर हमने लिखा है या नहीं। दोस्तों ऊपर यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी, हाँ दोस्तों जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मार्क्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आपको 0 स्पेसिफाई करना है, ठीक है, जहाँ पर हमारा एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने प्रैक्टिकल मार्क्स के आगे ब्लैंक छोड़ दिया था, तो यहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है वहाँ पर आप सिर्फ 0 लिख देंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको 0 कर देते हैं। तो उसको ठीक करने के बाद हमने सबमिट बटन पर क्लिक करा तो हमें दोबारा ये डिटेल शो करेगा कि क्या क्या डिटेल आपने शो करी है जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट स्टेप में शो किया था। दोस्तों इस बार जो सारा प्रोसीजर होने वाला है वो जो कट ऑफ का चक्कर होगा पेस्ट 4 का वो आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पोर्टल पर ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया इसको, फिर नीचे हमने एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है आपका, तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको जो मेन स्टेप है वो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि यदि आप मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एंट्रेंस टेस्ट बेस। देखिए यहाँ पर आएगा आपका डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू कोर्सेज बेस्ड ऑन मेरिट, करना चाहते हैं कट ऑफ के बेसिस पर तो येस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट द कोर्सेज फ्रॉम द लिस्ट बिलो इन विच यू विश टू अप्लाई, यू विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई योर सेलेक्ट आफ्टर पेइंग फी, यू कैन सेलेक्ट एज मेनी एज कोर्स यू विश टू अप्लाई, यू मस्ट रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स इन विच यू आर अप्लाइंग, एप्लीकेंट कैन नॉट क्लेम हिज आर राइट फॉर एडमिशन टू एनी कोर्स इवन आफ्टर अपेयरिंग इन द कट ऑफ लिस्ट इफ ही शी फेल्स टू सेटिस्फाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कोर्स सेलेक्ट करने हैं, जितने कोर्सेज चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कोई आपकी नंबर ऑफ कोर्स सेलेक्ट करने की फ़ीस जो रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। आप कोर्स सेलेक्ट करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जाके चेक कर लेंगे, फ़ीस पेमेंट कर चुके होंगे तो उसके बाद इसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जिस भी कोर्स सेलेक्ट करना है यहाँ पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आ गया, कॉमर्स स्ट्रीम आ गया, ठीक है, वोकेशनल स्ट्रीम आ गया। इसको करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अपने कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद। तो दोस्तों मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं केयरफुली इसको एंटर नहीं कर रहा, लेकिन आपको केयरफुली इसको एंटर करना है। अब यहाँ पर शो करेगा कि हमने कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, इसको हम एडिट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं इसको। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका डू यू विश टू अप्लाई फॉर कोर्सेज बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट, येस या नो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, ठीक है, अगर आप येस करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होते हैं कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, जर्नलिज्म प्रोग्राम हो गया 5 साल वाला, या फिर इंटीग्रेट प्रोग्राम इन जर्नलिज्म हिंदी मीडियम वाला हो गया, तो उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नो या येस कर देंगे, जिसको नहीं करना उसको नो भी क्लिक करना आपको, ठीक है, जिसको करना उसको येस। तो यहाँ पर इतना करने के बाद फिर नीचे आता है आपका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। अब आपका जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, जैसे कि आप जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा, तो उसका सेंटर का प्रेफरेंस सेट करना है आपको।
ठीक है, पहले हम दिल्ली NCR कर देते हैं क्योंकि हम दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं, फिर भोपाल कर देते हैं। इसको दोस्तों मैं रेंडमली फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो करेगा कि येस या नो ज़रूर सेलेक्ट करें यदि अपन अप्लाई करना चाहते हैं या नो, ठीक है। तो यदि किसी कोर्स में अप्लाई नहीं करना चाहते तो उसके आगे नो भी आपको स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। बी ऑनर्स म्यूज़िक, तो इसको हम नो करते जाते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने कितने कोर्स सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो स्टेप होगा ये होगा स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। यदि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो येस करेंगे, ठीक है। येस करेंगे तो यहाँ पर अपना गेम सेलेक्ट करेंगे। आप गेम सेलेक्ट कर चुके होंगे तो उसके बाद देखिए, एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट गेम इफ़ ही शी विशेज टू अप्लाई इन स्पोर्ट्स कैटेगरी। यू मे अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 गेम्स स्पोर्ट। एप्लीकेंट विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई एट अ लेटर स्टेज। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर मेरिट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम 3 गेम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट के साथ इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको अपने रिक्वायर्ड गेम का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। ओनली द हाइस्ट मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर। जो आपका हाइस्ट पार्टिसिपेटिंग होगा सर्टिफिकेट, उसी को आपको इसमें अपलोड करना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इन्विटेशनल मेमोरियल ओपन प्राइज मनी लीग रैंकिंग कम्पलीशन विल नॉट बी कंसिडर। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कंसिडर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 1 मई 2016 से 30 अप्रैल 2019 के बीच का आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से कॉलेजेस में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेंगे कॉलेज वाइज। यहाँ पर डिटेल की मैंने सर्टिफिकेट की डिटेल देंगे आप, अपना कॉम्पिटिटिव नेम, कॉम्पिटिशन का नेम देंगे, लेवल क्या था उसका, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट की डेट क्या थी वो यहाँ पर चूज़ करेंगे आप। इसके अलावा दोस्तों सर्टिफिकेट डेट के अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट का लेवल आप चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसको हम अभी नो ही रहने देते हैं। तो आपको येस करके उसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दोबारा शो करेगा आपका कि आपने क्या क्या चूज़ किया था। फिलहाल मैंने कुछ चूज़ नहीं किया तो मुझे नो शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐड अनदर गेम स्पोर्ट का भी ऑप्शन है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट बटन पर चलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है ECA कैटेगरी, यानी यदि कोई भी ECA कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम 3 ECA से आप बिलोंग कर सकते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ECA अवेलेबल है, डांस हो गया, डिबेट्स हो गया, फाइन आर्ट्स, म्यूजिकल, तो इसको आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। NCC का भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, क्विज़ वगैरह का भी है, NSS का भी है, योगा का भी है, ठीक है। तो उसको चूज़ कर लेंगे आप और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे दोबारा ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप दूसरा कोई ECA ऐड करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। यदि करना चाहते हैं तो नेक्स्ट, तो ऐड अनदर पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट बटन पर आप जाएंगे, फिर आपका ऑप्शन आएगा अपलोड सेक्शन फॉर पर्सनल डिटेल। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसके अलावा क्लास 10, 12 की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वहाँ पर सेव और कंटिन्यू का भी ऑप्शन होगा, उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आप सेव हो जाएगा आपका डेटा और बाद में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने एंटर करी थी, इसके अलावा फैमिली डिटेल, कैटेगरी डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल, ठीक है, 12th की डिटेल, या फिर मार्क्स शो करेंगे। जितनी भी डेटा आपने इस स्टेप तक एंटर करा था वो सभी डेटा आपका यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए, आपको डिक्लेरेशन देना है कि यदि जो जो आपने ऊपर सेलेक्ट कर ऊपर डाटा देखा है वो सही है या नहीं। सही है तो आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और पेमेंट के लिए चले जाएंगे आप, गो फॉर पेमेंट, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है दोस्तों एकदम। यहाँ पे आप देखिए माय नेम इज़, यहाँ पे जो भी अंडरटेकिंग शो कर रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे जो भी आपको अमाउंट पे करना होगा वो शो करेगा, 250 रुपये आपका इंटरेस्ट मेरिट बेस के लिए थे
और 750 रुपये जो एंट्रेंस बेस का जो आपने चूज़ किया था इंटीग्रेट प्रोग्राम वाला वो शो करेगा, ठीक है। नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड वंस द पेमेंट इज़ मेड। तो यहाँ पर आप दोस्तों या तो पे लेटर कर सकते हैं या फिर पेमेंट कर सकते हैं। चूँकि दोस्तों ये एक डेमो फॉर्म था तो हम आपको यहीं तक फॉर्म फिल करके बता सकते हैं। तो फिलहाल पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे तो अपना पेमेंट का जो ऑप्शन होगा वो चूज़ कर लेंगे आप, ठीक है, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड वगैरह, और पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन है दोस्तों, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।